वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक्स। आज मेरे साथ वीरेंद्र है। वीरेंद्र मेरा तब से दोस्त है जब मैं लखनऊ में रहता था। हम दोनों क्लासमेट्स थे, तब भी हम लोग क्रिकेट की बातें करते थे। वो अलग बात है कि हम तब क्रिकेट खेलने की बातें किया करते थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो पिछले कई सालों से एक भी ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। तो उसके पीछे क्या वजह रही है कि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद हमें ICC टूर्नामेंट से खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो आज का टॉपिक है व्हाई इज इंडिया नॉट विनिंग आईसीसी टूर्नामेंट। तो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के पहले हमेशा इंडिया को फेवरेट रखा जाता है, मगर फिर भी अगर देखो तो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से हमने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है। तो क्या लगता है तुम्हें इसके पीछे रीजन क्या है? यार मेरे हिसाब से मैंने तीन चार पॉइंट्स में इसको समराइज करने की कोशिश की है। तो पहला मेन रीजन तो है कि ओपनिंग थ्री का फायर ना करना उन मेन मैच में। तो जैसे हम लोग कोई भी हार देखें जो इंडिया ने फेस की है इन आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो उनमें कई बार हमने देखा है कि पूरे टूर्नामेंट में टॉप थ्री ने अच्छा खेला है, लेकिन जब ऐसे नॉकआउट स्टेजेस आते हैं तो टॉप थ्री फेल कर जाते हैं। ऐसा एक ही दो बार देखने मिला है कि कोई तीनों में से एक ने 50+ स्कोर किया हो और ना जीती हो इंडिया। हाँ, और टॉप थ्री में भी मेनली विराट कोहली और रोहित शर्मा। हाँ, मेनली विराट रोहित, शिखर तो इस बार ही देखा जाए इंजर्ड ही हो गया था, लेकिन आईसीसी में उसका परफॉर्मेंस ठीक रहता है। हाँ, लीग स्टेजेस में अच्छा रहता हाँ, लीग स्टेजेस में है। हाँ वही। और 2013 के बाद ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा खराब परफॉर्मेंस किया हो कि लीग स्टेज से बाहर हो गया। हर में हम नॉकआउट में आते हैं हाँ अगर हाँ से। हर में। हाँ और दूसरा रीजन मेरे हिसाब से ये है कि हम लोग के पास टीम, जैसे 2011 वर्ल्ड कप के देखे हम लोग, तब तक हाँ टीम एक कंसिस्टेंट रहती थी अपने पास। जैसे स्क्वाड जो है, जो खेल रहा है शुरू से वो लास्ट तक खेलता था। तो हाँ इस विराट कोहली वाली साइड में ये चीज देखी गई कि विराट सबको एक टाइप चांस देना चाहता है, जैसे हाँ स्टिक नहीं करते उतनी टीम के साथ थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हाँ सेम वो अंबाती राइडो वाला जो केस था। हाँ, राइडू, और जैसे इसी वर्ल्ड कप में 2019 में ही देख ले हम लोग, तो इन्होंने जितने भी बेंच प्लेयर्स थे सबको एक एक मौका दिया, बस एक मयंक अग्रवाल एक मिस हो गए थे, नहीं तो सबको मौका मिला है। हाँ वही वही, मुझे लगता है कि अगर दिनेश कार्तिक को ही शुरू से खिलाया होता तो वो हो सकता है सेमीफाइनल में बेटर खेल जाता। सेमीफाइनल शायद पहला मैच था दिनेश कार्तिक। हाँ, मतलब दिनेश कार्तिक को इसलिए और मैं इसलिए और फेवर कर रहा हूँ क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है और उसने हाँ इसके पहले दास ट्रॉफी में भी बहुत क्रंच सिचुएशन से जिताया था इंडिया वही को। वही वही हाँ कि अगर इंजर्ड कोई हुआ है तो जो नया एडिशन है स्क्वाड में तो उसको पहले बेंच पे बैठना चाहिए और जो बेंच पे है उसको लाना चाहिए 11 में पहले। पता हाँ नहीं वो तो मेरे हाँ हिसाब से मेन रीजन तो यही है कि विराट कोहली वाली टीम में थोड़ा प्लेयर्स के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उन्हें बैक किया जाएगा। हाँ और मिडल ऑर्डर हमारा टेस्ट भी नहीं होता है नॉर्मली लीग स्टेजेस में। जब हमारे टॉप थ्री परफॉर्म करते हैं तो हाँ, मिडल ऑर्डर को कोई ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं मिल पाती है, ये भी एक रीजन है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देख लेते हैं कि जहां पे हम सक्सेसफुल थे 2011 का वर्ल्ड कप और बाकी के जो हम हार रहे हैं उसमें मतलब क्या डिफरेंसेस है। तो हाँ 2011 में तो देख लो हमारा जो 5-6-7 है वो भी बहुत स्ट्रांग था, युवराज सिंह, MS धोनी और सुरेश रैना। और इनफैक्ट 2011 में जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे जहीर खान, वो प्लेइंग 11 में थे। हाईएस्ट रन स्कोरर सचिन तेंदुलकर, वो प्लेइंग 11 में थे। और बेस्ट ऑलराउंडर मैन ऑफ द सीरीज युवराज सिंह, वो भी हमारे पास थे। अब हाँ की टीम में देखें तो बैट्समैन अपने पास, चलो एक हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, एक दो युवराज अपने रोहित शर्मा, विराट कोहली, और बॉलर बुमराह बोल सकते हैं, लेकिन ऑलराउंडर अपने पास ऐसा कोई नहीं है जो मिडिल ऑर्डर में बढ़िया कंसिस्टेंट खेल सके हमेशा। हाँ अब हालांकि देखा जाए हार्दिक पांड्या थोड़ा मैच्योर हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा जैसे युवराज सिंह के ऊपर हम लोग डिपेंड करते थे वैसे नहीं कर सकते। युवराज सिंह का भी वही एक्सपीरियंस ही आया था। उन्होंने उन्होंने भी दो वर्ल्ड कप खेले उसके बाद ऐसी हाँ, परफॉर्मेंस दिखाए वो। बात सही है। और नंबर 4 का भी वही है कि अभी श्रेयस अय्यर से थोड़ी उम्मीद लगा सकते हैं हम कि वो थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाए। बात तो यार सही है श्रेयस अय्यर से, लेकिन मेरे हिसाब से मनीष पांडे को बहुत कम चांसेस मिले हैं और वो थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है और कई बार आईपीएल में देखा है वो टाइट सिचुएशन से टीम को बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकालते हैं।
ठीक है, मैं अग्री करता हूँ उससे, मगर जैसे हमने देखा है मनीष पांडे डोमेस्टिक में काफी अच्छे रन बनाते हैं, इंडिया ए के लिए जब खेलते हैं तब भी बहुत ज्यादा रन बनाता है वो। और मनीष पांडे को नॉर्मली चांसेस कब मिलती हैं, जब जैसे हम ऑलरेडी सीरीज जीत चुके हैं और एक दो मैच बचे हैं सीरीज में, तब उनको सही चांस कह दिया रहे जाता है, तो उसमें वो कई बार हो। फेल हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनको बहुत नीचे वो बैटिंग में भेजते हैं, नंबर 6 पे भेजते हैं, नंबर 7 हाँ, ये चीजें ज्यादा देखी है पे। मैंने मनीष पांडे के साथ, हाँ, पर उसको जो कब, 20s 30s में बनाने का मौका मिलता है, रन लोअर ऑर्डर में, मेरा बहुत ऐसा कम लगता है ओवर। कि उसकी मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, एवरेज थी। मगर जो श्रेयस अय्यर को जितने भी चांसेस मिले हैं उसमें मुझे लगता है काफी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। हाँ, इस बार तो बहुत ही अच्छा किया, लगातार 3 4 या 5 हाफ सेंचुरीज थी शायद उनकी। हाँ, और इनफैक्ट श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे को एक साथ भी खिला सकते हो आप, अगर MS धोनी वापस नहीं आ रहा है टीम में T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे एक साथ भी खेल सकते हैं मेरे हिसाब से। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर और 5 पे मनीष, सही ये है तो भाई। हाँ, ये हो सकता है, अगर MS धोनी नहीं आ रहे तो KL राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं। हाँ। तो और ये भी है कि विराट कोहली को ऑलराउंडर ज्यादा पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों, जिस वजह से कि अंबाती रायडू की जगह हमने विजय शंकर को देखा था वहां पे, जो 3D प्लेयर वाली बात चली थी। ठीक है, तो मुझे लगता है यही एक चीज है जो हो सकता है श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे को एक साथ खेलने में मदद ना करे, बाकी पता नहीं, क्योंकि वो शिवम दुबे को भी आपने देखा जब बहुत ज्यादा बैक कर रहे हैं रिसेंटली, पर उनकी बैटिंग में मुझे कुछ ज्यादा खास तो दिखा नहीं, तुम्हें क्या लगता शिवम दुबे मुझे तो पिंच हिटर टाइप लगते हैं, है? हाँ जैसे लास्ट वही, में सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे कह दो मिडिल ऑर्डर में उनको परमानेंटली चांस देना मेरे हिसाब से सही नहीं है अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से, हाँ क्योंकि कई यंगस्टर्स और हैं जैसे ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, ये सारे हो गए, ये भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब पृथ्वी शॉ को टेस्ट में ओपन कराया था तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। हाँ और टॉप 3 स्पॉट तो मुझे लगता है सॉर्टेड है पूरी तरीके से। हाँ, चौथे नंबर पे ही है अब हिसाब, मेरे हिसाब से भी अभी श्रेयस अय्यर को ही ये कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, और जो हम बात कर रहे थे कि ओवर डिपेंडेंस है रोहित शर्मा और विराट कोहली में, तो कुछ ऐसे स्टैट्स भी हैं जो मतलब इसको सपोर्ट करते हैं कि जितने भी ODIs हुए हैं 2014 से, उसमें जब भी इंडिया ने चेस किया है तो उसमें रोहित का एवरेज 58.65 रहा है और उसमें 12 सेंचुरी, और विराट कोहली का एवरेज 74.24 रहा है और उसके 15 सेंचुरी है, तो दोनों के मिला के 2700 है, से दिख सकते हैं कितना ज्यादा डिपेंडेंट है हम इसमें उनके ऊपर। और यहीं पे अगर हम ODI नॉकआउट्स पे आए ICC टूर्नामेंट्स में 2014 से, तो विराट कोहली का एवरेज 2.33 है और रोहित शर्मा का एवरेज 11.67 है। इसमें बांग्लादेश वाले मैचेस इंक्लूड नहीं किया मैंने, हाँ हाँ, बाकी के जो 6 मैचेस हैं उसमें 2 का एवरेज और 11 का एवरेज है, तो फिर वही क्लियरली दिखता है कि जब ये दोनों फेल होते हैं तो टीम का फेल होना ऑलमोस्ट पक्का रहता जैसे पहले अपने पास था ये 2011 तक, जैसे MSDB अपने पीक पे था है। और हाँ युवराज सिंह भी थे अपने पास, वही वही, ऐसा कोई प्लेयर बचा नहीं जैसे कि टॉप 3 में कोई फेल हो तो नीचे संभाल सके। रैना थे पहले डिपेंडेंट मिस्टर, अब हाँ वो भी, उनको भी हटा दिया गया है। रैना का भी वही 2015 में, ऑल्दो रैना थे मगर अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं थे, और अजिंक्य रहाणे थे 2015 में, वो भी उनका ODIs में तो मुझे नहीं लगता कभी भी वो परमानेंट रहे हैं, इन एंड नहीं आउट ही होते वो, रहते हैं। हाँ, स्लो खेलते हैं, ODIs में देखा गया कई बार उनको, जब मौका मिला है तो हाँ काफी स्लो खेलते हैं। और मेरे हिसाब से दूसरा जो पॉइंट है इंडिया का बाहर होना फर्स्ट हाँ स्टेजेस में, वो एक ये भी है कि बॉलिंग फेलियर्स, अपने जितने भी हम लोगों ने मैच हारे हैं तो हाँ नॉकआउट स्टेजेस में, उसमें बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है इंडिया की बाकी मैचेस को देखते हुए। हाँ इसमें बस 2019 का सेमीफाइनल हटा देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उसमें बॉलिंग मुझे लगता हाँ है ठीक थी, इतनी खराब नहीं थी। हाँ ठीक थी, सही हाँ है, हाँ 2019 वाला, हाँ सही थी, बाकी मैंने जितने देखे अब तक उसमें। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, फाइनल की पाकिस्तान के अगेंस्ट जो था, हाँ उसमें हमने काफी ज्यादा रन दे दिए थे, वो तो और है, क्या, और एक और जो टू वो अनफॉर्चुनेटली जो नो बॉल हो गई थी जसप्रीत बुमराह की। वो भी एक पॉइंट है भाई, उन ड्रॉप चांसेस तो अपने हुए ही हैं उसमें,
नो बॉल हुई थी, और 2016 सेमीफाइनल में दो ड्रॉप चांसेस उसमें थी, भी हाँ दो नो बॉल्स, आर अश्विन की भी नो बॉल थी उसमें एक। हाँ हाँ अब 2016 वाले का तो यार कुछ नहीं कह सकते, वो वेस्ट इंडीज है, वो तो कुछ भी कर देंगे अपने दिन पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो नीचे कमेंट करना मत भूलना। इससे कुछ नहीं होता, बस वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ जाता है, तो यूट्यूब इसको ज़्यादा रिकमेंड करता है। थैंक यू।